वेलकम टू अनदर व्लॉग दोस्तों, स्वागत है आपका। पटाया डे टू है और मेरे साथ है भाई, हमारे इंडिया से आया हुआ एक दोस्त। जो कहाँ से आए हो भाई, आप बताओ। इंदौर से आए हो। तो भाई सीन ऐसा है कि इनसे मिला था, मैं अपने बेड में था, ऊपर वाले तो भाई नीचे में थे। भाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कहाँ से भाई, इंडिया से क्या? आपको कैसे कैसे पता चला कि मैं इंडिया से हूँ? रील देख रहा था। भाई मैं क्या है, रील देख रहा था, उसमें थोड़ा हिंदी भाषा में बातचीत चल रहा था, तो भाई को लगा कि ठीक है इंडिया से बोले। उसके बाद ठीक है, बातें सीधे चलते रहेंगे भाई। तो अपन चलते हैं अभी, ये है जमतीन बीच। बीच है भाई आगे हमारे होटल से जस्ट यहाँ पे, बस 100 मीटर दूर में ही बीच है। और यहाँ पे भाई पूरे पार्टी शार्टी चलते हैं रात के टाइम। और आप जो समझ रहे हो, बूम 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 सब मिल के हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे पूरे गोरे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंडियन आपको मिलेंगे ही नहीं। हम दो इंडियन हैं इस जगह पे, क्योंकि ये है भाई पटाया से 4-5 किलोमीटर दूर में है। और ऐसे ही जगह मेरे को अच्छा लग रहा था, इसलिए यहीं पर लिया। क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप आए हो फॉरेन, आप फॉरेन क्यों जा रहे हो भाई फॉरेन, ये बताओ। फॉरेनर देखने के लिए जा रहे हो ना, तो इंडियन को देख के क्या ही करोगे, कैसे पटाया बीच में भाई सारे इंडियन है, पूरे इंडियन भाई, उनको क्या ही देखोगे। अभी दिखाता हूँ, जमतीन बीच में दिखाता हूँ आपको क्या इंडिया ही बस गया हूँ। तो भाई कोई मतलब नहीं है ना वहाँ जाने से, इसलिए भाई अपन क्या है थोड़ा अच्छे जगह जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो चलते हैं भाई यहाँ के पूरे पूरा ये जगह भाई पूरा इधर ऐसा करके बुला रहे थे भाई कल क्या ही बोलो, चलो कोई बात नहीं। चल यहाँ के भाई, मतलब यहाँ का जो रास्ता है सब एकदम ओके है, लग रहा है कि फॉरेन आए, वैसे तो फॉरेन ही आया हूँ। हाँ भाई ये है भाई रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पे सब रहने वाले भी मिलेंगे आपको, पार्टी करने वाले भी मिलेंगे। और जस्ट हमारे होटल के रोड के उस पार का एक बड़ा मार्केट लगता है, तो वहाँ भी जाएंगे आज ही। ये है भाई पूरा बीच भाई, कई कतई मज़ा आ रहा है पता है, एकदम हवाएं चल रही है एकदम फट्टे से। और बस अब चलते हैं कुछ खाते हैं भाई, पहले तो भूख भी लग रहा है, भूख खा भी लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ठेले वेले दिख रहे हैं बीच साइड में, तो फट्टे से महंगा भाई, फट्टे से महंगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अपन यहाँ पे पहले कुछ खा लेते हैं, अपन खा लेते हैं भाई थोड़ा सॉसेज, यहाँ का चिकन और पॉर्क है बोल रहा था, तो अपन ने चिकन मंगा लिया। पॉर्क तो मैं फट्टे से खा चुका हूँ आपको पता, लेकिन कल जो पॉर्क वाला चिप्स लिया था ना वो गंदा लग रहा था। तो अपन का सॉसेज इधर अभी रेडी हो रहा है, तो ये है कुछ इस तरह का शॉप है ये। तो एक को है भाई 10 भात का है, 10 भात मतलब 25 रुपये। तो यहाँ से खुद से निकाल भी सकते हैं, पहले पता होता तो मैं भी खुद से निकालता, पता ही नहीं था, अब पता चले अब खुद से निकालूंगा। तो ये क्या निकाल रही है, पूछूं क्या इससे, छोड़ो डिस्टर्ब नहीं करते, शायद उसकी माँ आई है, मार देगी हमारे। ओके चिली डाल दो, क्या बोल रही है कुछ देखो भाई इधर से वीडियो कर रहे हैं। ये चिकन सॉसेज भाई खाओ तो कैसा लगता है, गरम लग रहा है। चलो बीच पे चलते हैं, बीच में जाके खाएंगे भाई अभी। और यहाँ पे कुछ मिल रहा है भाई, यहाँ पे शायद चिकन निकल कुछ मिल रहा है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, पॉर्क, ये and this is chicken. Chicken. How much? Nini. 60. Right. This whole one? Yes, same. Okay. One? No. I will come. क्या बोल रहे हो? गाली दे रहा हूँ। गाली दे रहे हैं? हम भी दे सकते हैं। आ रहा है ये देखो भाई, यहाँ बीच में ऐसा माहौल बन रहता है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है। और भाई हवाएं भाई, पूरा माहौल ही माहौल है भाई, पूरा का पूरा माहौल ही माहौल है, ठीक है ना। देख रहा था, देख रहे कैसे देख रहा था अपने को हाँ ना देखो भाई, वो बीच में
नशे करके घुस गया मोबाइल लेके। तो भाई समुद्र में जाते जा रहा है गांडू, इसको अपन चला के भग जाते क्या बोलते। निकल जाओ सीधे से। और वो बच्चे लोग भी नहा रहे भाई, यहाँ पे सो सकते हैं भाई, यहाँ पे सोते आ जाओ। तो पैसा लेगा? हाँ नहीं लेगा, नहीं लेगा। सो बात कहाँ? यहाँ सोने का। कौन बोला? मैं सुबह था ना यार, मैं सुबह थे। हाँ मैं यहीं पे तो था, पूरा टाइम पास किया, उसने चेक इन नहीं दिया था। हाँ सौ भात लिया उसने, तीन बजे तक के लिए, सुबह से तीन बजे तक के लिए। छोड़ो फिर रहे तो अपन ऐसे ही सो जाएंगे। भाई क्या है भाई, ये है भाई चिकन सॉसेज, अपन इसको ट्राई करते हैं। कैसा? मीठा डाल देते ना, मजा नहीं आता। ठीक है, एवरेज डिसेंट सा है, उतना कोई महंगा तीखा है और मीठा है। तो ये है जमतीन बीच का नज़ारा, और यहाँ पे सब बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, पी खा सकते हैं। और यहाँ पे बैठने का रात में तो यहाँ अच्छे से माहौल बनता होगा एकदम। और यहाँ पे आप बैठने का 100 रुपये भाग दे के आप यहाँ पे सो सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ का भाई सनसेट देखने में मज़ा ही आ जाएगा। अभी तो नहीं हुआ है, अभी बजे हैं 5:30 बजे। और देखो स्पीड बोट कैसा पजेड़ रहा है, कैसा पजेड़ रहा है, वो पूरा कुदार है भाई, रोला उसी का है कैसे। तो यहाँ पे पूरे फॉरेनर, पूरे के पूरे फॉरेनर, एक भिंगिया तो दिख ही नहीं रहे, अच्छी बात है। बीच साइड में भाई यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी मिल जाएंगे पार्क। और एक चीज़ यहाँ का मेरे को अच्छा लगा कि भाई इतना बड़ा बीच है ठीक है, लेकिन यहाँ गंदगी नहीं। गंदगी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इंडियन नहीं। हालांकि मैं इंडियन का बहुत बुराई कर रहा हूँ, बुराई तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच कह रहा हूँ भाई, थोड़ा समझा करो टूरिस्ट एरिया को, गंदगी करने से कोई मतलब ही नहीं है भाई। पार्क देखो भाई पूरा अच्छा चीज़ है भाई, यही तो चाहिए यार अपने भी इंडियन में, इंडिया में। अरे देखो भाई कितना बड़ा बिल्डिंग। फ्रूट्स खाओगे? ये क्या है? कोकोनट। वाटरमेलन अच्छा लगता है। हाउ मच वाटरमेलन? 20 baht। गिव मी 2 एंड और क्या लेंगे? और क्या लेंगे? ये भी अच्छा लगता है। 2 दिस एंड 2 दिस। कोकोनट 40 baht। तो इस तरह से भाई कटिंग फटिंग चलता है ठीक है। ये है भाई, दे रहा हूँ भाई, मैं दे रहा हूँ, अरे मैं दे रहा हूँ भाई, अरे मत दो। No. All over. Welcome. उधर देखो भाई पूरा मामला ही मामला। थैंक यू, सवादी खा भाई। यहाँ के बच्चे भाई, वो आइलैंड देख रहे हो? वो पैरासीलिंग हो रही है देखो। पैरासीलिंग कितने रुपए लेते होंगे? पैरासीलिंग 1500 baht। ओके, मतलब 2.5-3
3-4 हजार। ओके भाई, पार्टी चल रही है जोमेटिन नाइट मार्केट। अभी तू कब, 13 तक है ना? अभी 9 से चालू हो गए यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर, उसके लिए लालटेन लगे। चाइनीज न्यू ईयर चले 3 दिन तक, घुमा के पूरा घमासान चलेगा, मतलब हो जाएगी रात को। भाई तगड़ा जगह है। तो भाई अपन यहाँ बैठ चुके हैं और बस इस नज़ारे के साथ सनसेट देखते हुए अपन इंजॉय कर रहे हैं अपना फ्रूट वाटर मेलन, और इसको क्या बोलते हैं भाई, अनानास। अनानास अनानास भी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल टाइप ही लग रहा है, लेकिन तो पाइनएप्पल नहीं हो। क्या लग रहा है, आइलैंड होगा वो। कल चलेंगे कोरल आइलैंड, कल कोरल आइलैंड जाएंगे। ठीक है भाई, बने रहिए व्लॉग में। बस भाई सनसेट का नज़ारा देखो, एक नंबर सनसेट है भाई, इतना इससे अच्छा सनसेट कहीं नहीं मिलेगी आपको। और इस सनसेट में भाई, भाई फोटो खिंचाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं खिंचाना है, शौक नहीं है, मेरे को भी नहीं है, लेकिन दो चार फोटो खिंचाना चाहिए भाई हर ट्रिप। और ये क्या बना के रखे देखो, तो यहाँ पे देखो भाई सब के सब फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ के ये सब टूरिस्ट हैं भाई। टूरिस्ट लोग और यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ठीक है, टूरिस्ट उतने अच्छे नहीं दिखते जितने यहाँ के लोकल दिखते हैं। और यहाँ पे चल रही है भाई मसाज, देख सकते हो आप, यहाँ मसाज चल रही है, मसाज बी आर पी के मसाज करा रही है क्या, और चांद पी के मसाज करा रही है। और यहाँ पे जैसे ही रात होंगी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब शाम होते जाएगी, यहाँ पे माहौल बनते जाएगा, शाम के टाइम यहाँ अलग माहौल रहता है। भाई ये देखो भाई पैरा क्या चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं भाई, पैरा सीलिंग चल रहा है, और मजा तो आ रहा होगा उसको, लेकिन भाई 1500 भात, मतलब आपको लगभग आपको पड़ जाएंगे वो 3000 प्लस 750, 3700, मतलब 4000 के अराउंड आपको पड़ जाएगा। 5-1 मिनट का उड़ाया है ना, अब 5 मिनट उड़ाए गए, देखो ये हो गया। यहाँ पे मतलब सबके सब ऐसे बैठे हैं यहाँ के फॉरेनर। अगर आपको सस्ते में चाहिए, मतलब जैसे यहाँ के बीच साइड वाले जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं सब कई महंगे मिलेंगे आपको, एकदम फट्टे से महंगे, लेकिन आपको थोड़े सस्ते चाहिए तो आप यहाँ के जो ऐसा ठेले वेले बने हुए हैं वहाँ पे अगर ट्राई करोगे तो सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पे भाई है ऑक्टोपस है, और यहाँ पे क्या क्या है भाई, पूरा ऑक्टोपस है भाई। खाने का क्या ऑक्टोपस आप ये बताओ, अगर नहीं खाने का है तो भी बताओ। और यहाँ पे बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, अपन ट्राई कर सकते हैं, चिकन भी है, मच्छी भी है, ठीक है भाई, पूरा एकदम यहाँ पे जिंदा खाने को मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो खा सकते हो। वैसे तो अपन 7-Eleven जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेना है एक कुरकुरे मिलता है, वो लेना है मेरे को, जो कल खाया था मैं भाई, एक नंबर लगता है भाई। कहाँ है वो, ये वाला, ये था कि कौन सा था, कौन सा लिया जाए बताओ भाई, ये दोनों में अपन ये खाते भाई टाइम पास करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे दारू देखो भाई, मॉन्ट क्लेयर है 189, और चलते हैं आप यहाँ पे, वन लोगे तो 35 पड़ेगा, मुसब्बी है 35 भात, और ये सब क्या क्या है भाई समझ नहीं आ रहा है, 10 भात, व्हाट इज दिस, ऑरेंज, ओके। देखो भाई चिकन कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे कोई भी उठा लो भाई 25 भात का है, मतलब आपको लगभग ये आपको 62-63 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केला ले सकते हो, केला है एक ठो भाई 25 भात का है, 63-63 रुपये का एक ठो केला है भाई,
और वहाँ पे 62-63 रुपए में एक दर्जन मिल जाता है। तुम्हारी जैसे एक खाओगे एक दर्जन खाओगे। एक खाना है तो आपको थाईलैंड आना पड़ेगा, और अगर आपको एक दर्जन खाना एक तो मार्केट में इंडिया, इंडिया में ही खा लोगे भाई। और यहाँ पे भाई चांग सबसे फेमस जो बियर है वो यहाँ का चांग बियर है, बहुत फेमस बियर है भाई, ठीक है। और देख सकते हो हांगकांग गिलबीज रेड लेबल ब्लैक लेबल सब है भाई। और ये एक छोटा सा मार्केट है, छोटा सा एक क्लब है, देख सकते हो वहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ पे मिल रहा है भाई 1 kg में ड्राई फ्रूट मिल रहा है, दिस इज फॉर भाई, ये अच्छा नहीं है क्या? 100 baht में मिल रहा है भाई, अच्छा है ना? जाके खाओ ना। अरे तो घर पे जाके वो अपने होस्टल पे लेके चलते क्या? अभी। और ये सब भी मिल रहा है देख सकते हो, यहाँ 100 baht पे एक दर्जन है पूरा। सूखा उखा के मजा नहीं आता भाई, भाई 140 baht में ये लेंगे भाई, ठीक है ना। और फिर अपन चलते हैं थोड़ा आगे, कुछ नहीं अब तो, ठीक है। और यहाँ पे बनता है भाई बर्गर, यहाँ पे बीफ स्टिक पॉर्क स्टिक बीफ स्टिक पॉर्क स्टिक फ्रेंच फ्राइज गार्लिक ब्रेड चिकन बर्गर 70 baht में, 70 baht में बनता है भाई। तो अपन बैठते हैं भाई यहीं पे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। आओ जूस लेना है, जूस अपन जूस लेके बैठते हैं भाई। भाई इसमें क्या है, आपको सीधा जूस बना के मिलेंगे, देखो जूस बन रहा है, 25 baht में बनता है भाई। यहाँ पे कोई भी सब पिक कर सकते हो, ये देखो ये है ऑरेंज प्लस मैंगो, और इसमें क्या क्या है पता नहीं, इसमें क्या क्या है पता नहीं, तो इसमें से कोई भी सा एक उठाना है। इसमें क्या क्या है भाई? ग्रेप्स है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, एप्पल क्या क्या है, तो देखते हैं अपन कौन सा उठाते हैं यहाँ से। कौन सा? हाँ ये वाला तो डिफरेंट है। हाँ ठीक है ये वाला बना दो एक, और कौन सा एक और कौन सा बना? और एक ऑरेंज और मैंगो बना, एक ऑरेंज और मैंगो बना दो, दिस टू, ये दोनों बना रहे हैं भाई। सवादिखा इसका मतलब होता क्या है वैसे? नमस्ते, नमस्ते, ओके, सवादिया बूम बूम, ओके, ये बन रहा है भाई। तो ये बीच साइड अभी पूरे हो चुके हैं भाई, अंदर भाई क्या दिख रहा है भाई, अभी एकदम सही दिख रहा है ना, ये अपना बनने का। दे रहा हूँ दादा मैं दस का है, पहली बार पकड़ रहे 10 का। मेरे पास 5 और 2 और 1 अठन्नी अठन्नी का है। अरे भाई आधा बात कर, ये बन गया एक ऑरेंज, और ये कौन सा वाला है? ओके लेट्स गो बडी, बैठते हैं और खाते हैं। हियर ब्रो कैरी करने का ये भाई, मतलब भाई डेवलप्ड कंट्री हो तो ऐसा हो कैसे भाई, ये देखो इतना अच्छा चीज, कितने रुपए का?
62, मतलब आपको 63 रुपए में मिल जाएंगे समझो, या 70 रुपए में भाई। ये देखो अपने तरफ तो भाई कम से कम ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, अगर ये ऐसा ले भी रहे हो तो 50 रुपए में तो मिलता ही है, मतलब लगभग लगभग ठीक ही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना जो फ्रूट्स है ना वो सस्ते हैं और क्वालिटी है, क्वालिटी यहाँ के फ्रूट्स ना मतलब थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं। कैसे भाई कैसा है टेस्ट उसका, ऑरेंज प्लस मैंगो अच्छा है? ओके फिनिश भाई, और ये भी खा लिए, चलते हैं भाई अब इसको डस्टबिन में फेंकते हैं। रात का बीच का नज़ारा आप देख सकते हो यहाँ कि लोग आगे में बैठे हुए हैं सब, यहाँ पे आप बैठ के अगर आप दोस्तों के साथ हो तो यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो हो रहा है यहाँ हैंग आउट, यहाँ खा पी सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो। यहाँ कुत्ता देखा हूँ पहली बार, देखो कुत्ता, इतने दिनों से कुत्ता नहीं देखा था, आज देखा हूँ कुत्ता। और यहाँ के भाई शॉप से भी कितने अच्छे हैं, और ये कहाँ जा रहा है बाबा, ये है भाई जोमेटिन नाइट मार्केट, यहाँ पे अपन खा पी सकते हैं। और यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर होने वाली भाई यहाँ पे, तो उसका ये डेकोरेशन है। चाइनीज न्यू ईयर कब होने वाला है भाई? 9 से 13 को होने वाला है, तो यहाँ पे आप बैठ के खा पी भी सकते हो भाई। यहाँ का वाइब ही अलग है पता है, एकदम यहाँ का वाइब ना एकदम कतई सेक्सी है भाई। टॉयलेट पूरे चाइनीज ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट मार्केट होने वाला है, नाइट बोलता हूँ चाइनीज न्यू ईयर होने वाला है इसलिए। छत्तर बाहट में चिकन कबाब मिल जाएगा, पूरे चाइनीज। उसको निकाला उसके खोपड़ी को और खा लिए, हाँ भाई बहुत कुछ है यहाँ खाने को। क्या है भाई नाइट मार्केट है भाई, देख लो अच्छे से। इसका भी एक प्रॉपर व्लॉग बना सकता हूँ। तो ये है भाई मेरे होटल के जस्ट बाहर वाला नज़ारा, तो आप देख सकते हो कैसा चल रहा है यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पे सब सवादी खा वाले वो बुला रहे हैं भाई। अगर आपको कोई बुला रहा है तो बुलाती है, मगर जाने का नहीं, जाने का करो, लेडी बॉय था पूरे लगा देंगे भाई। तो अपन पहुंच गए हॉस्टल अपने, तो मिलते हैं भाई, ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलते हैं कल के एक और नए खतरनाक नए व्लॉग में।